नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। बिहार में पीएफआई के कई ठिकानों पर इस वक्त एनआईए और एटीएस की रेड जारी है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में फुलवारी शरीफ और दरभंगा जिले में एनआईए की जो टीम है वो सुबह से ही छापेमारी कर रही है। टीम द्वारा पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस छापेमारी में आपको बता दें कि आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस भी शामिल है। ये छापेमारी दरभंगा में बहेरा थाना क्षेत्र में की गई है। वहीं जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार एनआईए की टीम ने दरभंगा में बहेरा थाना क्षेत्र के छोटी बाजार से एक संदिग्ध युवक को भी उठाया है। वह पटना में रहकर पढ़ाई करता था। वहीं दरभंगा पुलिस की मदद से एनआईए की टीम ने उसे गिरफ्तार किया है, जबकि राजधानी पटना में फुलवारी शरीफ की इमारत शरिया के पास एक मकान में ये छापेमारी फिलहाल चल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि एनआईए और आतंकवाद निरोधी दस्ता की टीम फुलवारी पटना थाना कांड संख्या 827 में वंचित अभियुक्त मुमताज़ अंसारी से जुड़ी जानकारी के आधार पर हो रही है। पूरा मामला पीएफआई से जुड़ा होने की जानकारी मिल रही है। छापेमारी टीम जो है 2 बजे रात से ही लगी हुई है, लेकिन अभी तक कुछ खास भी नहीं मिल पाया। वहीं दरभंगा से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक दरभंगा के बहेरा में भी एनआईए की जो छापेमारी है वो चल रही है। एसएसपी अवकाश कुमार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। तो आपको बता दें कि बिहार में इस वक्त पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए और एटीएस की जो टीम है वो पहुँच गई है। रात 2 बजे से ये छापेमारी लगातार जारी है। फुलवारी शरीफ जो कि राजधानी पटना में फुलवारी शरीफ की इमारत शरिया के पास भी एनआईए की टीम पहुंची है। वहां पर लगातार छापेमारी की जा रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, फिलहाल अभी भी एनआईए और एटीएस की टीम को कुछ भी हाथ नहीं लगा है। इसके साथ ही दरभंगा में भी ये छापेमारी लगातार जारी है। छापेमारी चल रहा है। छापामारी में कहीं से कोई बुक मिला था, लोगों को किताब मिला था, कोई पकड़ाया हुआ वगैरह होंगे तो वो जैसे बोला हुआ कि इनके पास से मिला है। तो भाई ये बुक का इनका दुकान है, तो ऐसा तो इनके पास से कुछ मिला नहीं। पिछले 2-3 घंटा से इन लोग पूरा घर भी इनका तलाश किए, यहाँ भी किए, लेकिन ऐसा कुछ इन लोगों को मिला नहीं है, समझा ना। कौन लोग आया हुआ? ये सब पटना पुलिस है, फुलवाड़ी के भी फुलवाड़ी पुलिस है, एनआईए के लोग हैं और हाँ जी वो लोग भी हैं। हाँ एटीएस लोग भी हैं, एटीएस के भी लोग हैं, लेकिन कुछ मिला नहीं है इनको अभी तक। इनके यहाँ ये किया है, ये कासमी साहब एक हैं, रियाज कासमी हैं, उनका बुक का दुकान है। वो बहुत सा किताब उर्दू अरबी का बेचते हैं, हदीस भी बेचते हैं, कुरान शरीफ भी बेचते हैं। क्योंकि दुकान है तो दुकान में तो कोई भी आदमी कुछ भी किताब रख सकता है, बेच सकता है, ऐसा तो कहीं पर कुछ इसमें नहीं। व्यक्तित्व बहुत अच्छे हैं और बगल में ही रहते हैं, ऐसा स्वभाव के भी ऐसा कुछ हम लोग हैं नहीं, हम लोग बहुत साल से उनको यहाँ पे जानते हैं। दुकान उनका बहुत पुराना उनका है, लेकिन ऐसा कभी जी हाँ हम अंदर ही थे अभी अंदर से बाहर कुछ वही सब पूछ रहे थे कि ये कौन सा किताब है, ये कौन सा किताब है। तो उन्होंने बोला कि जिस किताब पर आपको शक है आप इसको ले जा करके ट्रांसलेशन करवा लीजिए। जैसे हम तो बोलेंगे अरबी में तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इसको लेके जाइए, जाके आप ट्रांसलेशन करवा लीजिए इसका। यदि इसमें कुछ होता है तो हम इसको लेके हम गुनेगार हैं। मेरा नाम एमडी आलम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।